जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं स्पीकर रिंगर माइक के बारे में। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उसके अंदर रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है या क्रिस्टल है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहला वीडियो क्या करके दे रखा है। ये मुझे लगता है शायद 8वां या 9वां वीडियो होगा जो आपको मिलेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें समझनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज अभी भी किया हुआ है, कम से कम ना होगा तो 14 स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। उन लोगों ने मैसेज ये किया हुआ कि सर मुझे अभी क्लास नहीं मिला, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुआ। या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया हुआ कि सर देखिए मैंने नोट करके आपको भेज रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं जो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल हैं, जो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे से हेल्प हो रही है। ये नंबर वही अपना 6391711711, इस नंबर पर आपको क्या करना है, इसमें मैसेज करना है। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ स्पीकर रिंगर माइक के बारे में बताने वाला हूँ कि स्पीकर रिंगर क्या रहता है, उसे कैसे चेक किया जाता है, क्या काम करता है, स्पीकर क्या होता है, रिंगर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पूरा वीडियो में हम समझने वाले हैं। स्पीकर और रिंगर, सबसे पहली बात क्या है, वो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, क्वाइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, क्रिस्टल है, ये सारे कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारे पास ये बोर्ड होता है ना, ये हमारे पास जैसे एंड्रॉयड का बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं ना, ये कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद जैसे प्लास्टिक के पार्ट्स आते हैं, जैसे बैटरी कनेक्टर, सिम जैक, स्पीकर, रिंगर, माइक, डिस्प्ले, ये सारे अपने पार्ट्स की कैटेगरी में जाते हैं। इनको हम कंपोनेंट नहीं बोलते, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं। तो स्पीकर रिंगर क्या होता है, यह एक पार्ट है जो आवाज देता है। स्पीकर रिंगर क्या होता है, एक पार्ट होता है जो आवाज देता है। इसका काम क्या रहता है, आवाज देना। अब बात करेंगे रियल शेप। रियल शेप का मतलब क्या होता है, बनावट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर की, उसके बाद अगले टॉपिक की बात करेंगे रिंगर की। स्पीकर जो होता है मोबाइल फ़ोन में सबसे छोटे साइज़ का होता है। कैसा होता है, सबसे छोटे साइज़ का होता है, और यह वॉइस कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉइस कॉलिंग का मतलब ऐसा रहता है जैसे आपने मोबाइल फ़ोन ले लिया, ऐसे बात करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या रहता है, स्पीकर होता है। स्पीकर की खासियत रहती है, वो मोबाइल फ़ोन में, इसे हम लोग ईयर स्पीकर ही बोलते हैं, इसकी खासियत होती है ये सभी मोबाइल फ़ोन में टॉप पे लगा होता है। टॉप का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर की साइड लगा होता है, जहाँ पर कान वाला हिस्सा होता है, हमेशा यहीं पर मिलेगा। इसका साइज कैसा होता है, ऐसे छोटा सा होता है, या वॉइस कॉलिंग देता है, या ऊपर साइड लगा होता है, यह क्या काम करता है, वॉइस कॉलिंग देता है और ऊपर साइड लगा होता है, फोन में सबसे ऊपर की तरफ लगा होता है। रिंगर जो होता है, यस या सॉन्ग, म्यूजिक, लाउड स्पीकर देता है, या कहीं भी हो सकता है, यह क्या होता है, कहीं भी हो सकता है। तो रिंगर क्या रहता है, यह सॉन्ग, म्यूजिक, लाउड स्पीकर देता है, यह फ़ोन में कहीं भी हो सकता है। इसका ये नहीं कि यहीं पर लगा होगा, यह मोबाइल फ़ोन में कहीं भी लगा हो सकता है। तो स्पीकर ऊपर की तरफ लगा होता है, रिंगर हमारा क्या होता है, नीचे की तरफ लगा होता है। देखिए मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ, अगर आप आएंगे तो मैं आपको जैसे बोर्ड में दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास फ़ोन है, इस फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ है, ये आपका रिंगर है, ये क्या लगा हुआ है, रिंगर है। इसके ऊपर साइड लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे स्पीकर। ये क्या होता है, स्पीकर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बात होती है, तो ये आपका स्पीकर लगा हुआ है। ये हमारे पास बोर्ड है, इसमें देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीकर। ये आपका क्या लगा हुआ है, स्पीकर। तो ये हमारी क्या होती है, दोनों की पहचान होती है। आप लोग क्या करिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसका डिनोटिंग लेटर की। इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है SPK होता है, सिंबल
इसका जो निशान होता है, इसका निशान जो होता है इस तरीके का निशान होता है, ऐसा भोंपू जैसा इसका निशान बना होता है, ये इसका सिंबल होता है। इसका वर्ग या इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलना, ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलता है, ये इसका काम होता है। अब हम बात करेंगे टेस्टिंग की, स्पीकर को टेस्ट कैसे करते हैं। स्पीकर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर बीप दे तो ओके, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर चेक करते हैं, चेक करने पर बीप दे तो ओके, फॉल्टी। अगर आप इसे चेक करेंगे बीप ना दे तो खराब है, इसे जब आप चेक करेंगे, चेक करने पर अगर बीप नहीं देता है तो क्या ये खराब है, या फटी फटी आवाज दे, तो खराब है। अगर इसे आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, चेक करने पर अगर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब है, या फटी फटी आवाज देता तो खराब है। ये हमारा स्पीकर रिंगर को चेक करने का तरीका होता है। अब स्पीकर रिंगर के इसके पॉइंट को कैसे चेक करेंगे, मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। ये सारी चीज़ें सब लोग पहले नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि इसके ट्रैक को कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, वो जैसे ये प्लेट आपकी बनी है, जैसे मैंने आपको बता दी, ये हमारे मोबाइल फ़ोन का बोर्ड बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये प्लेट है, ये हमारे फ़ोन का ऐसा बोर्ड बना हुआ है। इस बोर्ड में देखेंगे तो ऐसे दो पॉइंट स्पीकर के होते हैं। अगर कहीं रिंगर लगा होगा तो रिंगर के भी ऐसे दो पॉइंट दिए होंगे। आप लोग क्या करना है, आपको स्पीकर रिंगर, सबसे पहली बात क्या, स्पीकर रिंगर की टेस्टिंग होती है। स्पीकर रिंगर से प्रॉब्लम क्या आती है, स्पीकर ख़राब हो जाएगा तो बात करने में आवाज़ कम आएगी, नहीं आएगी, या बिल्कुल नहीं आएगी, या कम आवाज़ आएगी, फटी फटी आवाज़ आएगी, तो उस कंडीशन पर फ़ोन खोलिए। सबसे पहले स्पीकर रिंगर के जो ऊपर की जाली लगी होती है ना, उस जाली को आप लोग क्या करिए, साफ़ करिए। ये जैसे जाली, इसमें धूल मिट्टी डस्ट भर जाती है तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, ख़राब हो जाता है। तो आप जाली को साफ़ करिए। जाली को साफ़ करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, अब आप फ़ोन खोलने के बाद आप स्पीकर को पहले टेस्ट करिए। स्पीकर को ये चेक करेंगे कि स्पीकर चेक करने पर बीप दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे तो बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। ख़राब होगा तो आप उसे नया लगा दीजिए। अब बात करेंगे, अगर नया लगा दिया फिर भी प्रॉब्लम सेम है तो आप बोर्ड को चेक करेंगे। बोर्ड कैसे चेक करेंगे, बोर्ड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको बीप पॉइंट पर सेट करना पड़ेगा। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद रेड पिन को ग्राउंड पर लगाइए, रेड पिन को ग्राउंड पर लगाइए, और उसके बाद यहाँ पर ब्लैक पिन से जब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। इन चारों पॉइंटों में जब आप चेक करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू जो होगी ये 300 से लेकर के 600 तक के बीच में आपको रीडिंग मिलेगी। ये वैल्यू जो होगी 300 से लेकर 600 तक के बीच में वैल्यू मिलेगी। अगर ये वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीकर रिंगर की लाइन सही है। अगर वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर रिंगर का लाइन ब्रेक हो गया है। तो आप स्पीकर रिंगर को नंबर बदलिए, उसके लाइन को रिपेयर करिए। जब लाइन को रिपेयर करेंगे तभी ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। स्पीकर रिंगर तब खराब होगा जब बीप दे रहा है तो सही है, बीप नहीं दे रहा तो खराब है। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है वो लाइन की प्रॉब्लम है, ये सप्लाई की प्रॉब्लम है, ट्रैक की प्रॉब्लम है। अब आप क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं आपको वो भी चेक करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया, मल्टीमीटर को हमने बीप पॉइंट पर सेट किया। सबसे पहले हमने स्पीकर को चेक किया, देखिए ये देखिए, चेक करने पर क्या दे रहा है, बीप दे रहा है। बीप दे रहा है तो इसका मतलब हमारा स्पीकर सही है। अब हम बात करेंगे, ये लगा हुआ रिंगर, आपने इसके दोनों पॉइंटों को चेक किया, ये बीप दे रहा है तो सही है। ये जैसे मेरे पास फ़ोन है, हमने इसमें चेक किया,
तो अगर चेक करने पर बीप दे रहा है तो सही है। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे बोर्ड को चेक करेंगे। इसके बोर्ड को कैसे चेक करेंगे, बोर्ड को चेक करने के लिए देखिए स्पीकर के ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका स्पीकर जो टच हो रहा था, ये वाला जो स्पीकर है, अगर आप देखेंगे तो ये स्पीकर के पॉइंट यहाँ पर ऐसे टच हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे मल्टीमीटर को। हमने क्या करना, बीप पॉइंट पर सेट करना है। रेड पिन को हमने ऐसे ग्राउंड पर लगा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखी तो देखो रीडिंग आ रही है, देखिए 580 रीडिंग आ रही है। फिर हमने इस वाले पे चेक किया तो भी रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग आने से हमको क्या पता चल रहा है कि इसका जो कनेक्शन है आईसी तक है, मतलब इसका ट्रैक सही है। अगर ट्रैक ख़राब होगा तो रीडिंग नहीं आएगा। यही रीडिंग आपका स्पीकर में मिलेगा और यही रीडिंग आपको क्या मिलेगा, रिंगर मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि स्पीकर रिंगर को कैसे टेस्ट करते हैं और स्पीकर रिंगर की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से चेक करते हैं। इसमें से जब आप स्पीकर रिंगर को चेक करेंगे ना, वॉल्यूम सेटिंग को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा कस्टमर होता है किसी बच्चे ने फ़ोन यूज़ किया, कैसे भी यूज़ किया, उसका वॉल्यूम ही बंद हो गया, पता चला स्पीकर ठीक करने पर लगा बंद उसका आवाज़ है। तो आप क्या करिए, वॉल्यूम को भी चेक कर लीजिए। तो जैसा कि क्लास में आज सारे स्टूडेंट ने सीखा कि स्पीकर रिंगर की प्रॉब्लम को कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से स्पीकर रिंगर को हम लोग टेस्ट करते हैं, ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि ये अपना नंबर है 6391711711। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल पे उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को अगर एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, मैं आपको पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है ना ठीक होने के लिए, कोई भी फ़ोन के अंदर खराबी आती है, कोई भी कमी आती है, तो उस कमी के लिए सबसे पहली बात क्या, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे ही सीख लिया है, काम करते करते उनको आ गया है, लेकिन बेसिक नॉलेज मैं बताऊँ ना उनका बिल्कुल जीरो है। अगर बेसिक नॉलेज उनका जीरो है तो रिपेयरिंग करने में उनको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। वो नहीं समझ सकते, सिमेटिक को भी रीड नहीं कर सकते। आगे चल के सिमेटिक का भी क्लास चलेगा, जो बोर्नियो वगैरह है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में आपको एक एक करके सारे ट्रैक के बारे में समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगी कि कैसे रिपेयरिंग की जाती है। या आपको और भी एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखनी है तो आप ट्रेनिंग सेंटर पर आकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने पूरे कोर्स को फाइनल कर सकते हैं। मात्र 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर आप जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना सिखाया जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से ट्रेनिंग होती है। कि मेरा कहने का मतलब है कि अपने अगर भैया एक देश है तो एक कोर्स है, चाहे मोबाइल फ़ोन में हार्डवेयर की समस्या हो, सॉफ्टवेयर की समस्या हो, MMC लेवल की समस्या हो, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको सिखाया जाता है। इसका जो ट्यूशन फीस लगता है समथिंग 15,000 रुपये तक का खर्चा आता है, जिसमें आपको रहने वहने का सारा सब कुछ इंक्लूड है। कोर्स के दौरान आपको टूल किट वगैरह सब कुछ मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सारी सुविधाएं हैं। और आप आएंगे तो मैं इस विश्वास के साथ आपको कह के देना चाहता हूं कि आप आएंगे तो 100% सीख करके ही जाएंगे, ताकि आपके पास मोबाइल फ़ोन में कोई भी समस्या आती है आप उनको आसानी से रिपेयर कर सकें। थैंक यू दोस्तों।